नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता। भाई को स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के हालात बिहार के अच्छे नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को, देर आए दुरुस्त आए, स्वीकार तो किए सच्चाई को कि आपकी सरकार नंगी है, तो बदलिए ना मोदी जी। और आपके ट्वीट को चिराग और रामविलास जी ने रिट्वीट कर दिया, तो मिर्ची क्यों लग गई सत्ता पक्ष को, जब उसी का घटक स्वस्थ आलोचना आपको आईना दिखा रहा है। तो कोरोना वायरस और बाढ़ से अलग हटकर कालीदास और सूरदास के फेर में फंस गए। अरे नीतीश बाबू, आपके लोगों ने तो चिराग को विद्वान मान लिया, बड़ी बधाई। कालीदास तो बहुत बड़े विद्वान थे ना जनाब। चलिए, आप स्वीकार तो किए कि चिराग विद्वान है, आपको धन्यवाद। लेकिन जब मोदी ने आपकी सच्चाई दिखाई दुनिया को, तो आप कुछ नहीं बोले। चिराग पासवान या रामविलास जी को आप क्या कमजोर समझते हैं? दलित को क्या समझ लिया? 100 में 90 हमारा, 90 में 30 दलित। तो दलित को आप क्या कमजोर आप समझने लगे हैं क्या हिंदुस्तान में? और आप शुरू हो गए, पहले तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। भगवान कांग्रेस को तो शुद्ध बुद्धि दे, रघुपति राघव राजा राम, और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। हे कांग्रेस मैया, अब तो बिहार बचाओ, कब तक अनुकंपा पर जियोगे, कब तक? और विपक्ष के बारे में कुछ बोलना ही बेकार। हर चीजों को वो पिकनिक समझते हैं। ये बच्चा का निप्पल नहीं है पत्रकार जी, समझे? लाशो लाश है। इसीलिए कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि बिहार की जनता आपको देख रही है और एक नई आजादी की ओर बढ़ना चाहता है। 347 गांव हम गए, 104 पंचायत, 1.5 महीने में 1,64,000 किलोमीटर हम चले। लगभग अभी तक 45 से 55 लाख लोगों से हम मिले। हर बिहारी बिहार में 30 साल के महापाप और कुकर्म से निकलना चाहता है। हर यूथ, हर गरीब और हर फार्मर और बेटी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।